क्वांटम कंप्यूटिंग सरल शब्दों में समझाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग एक प्रकार का कंप्यूटिंग है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जो एक ऐसी भौतिकी की शाखा है जो बहुत छोटे रासायनिक अणु जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटोन के व्यवहार को वर्णित करती है। पारंपरिक कंप्यूटर में जानकारी बिट में संग्रहित की जाती है, जिसे 0, 0 या 1, 1 के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर में जानकारी क्वांटम बिट यानी क्यूबिट में संग्रहित की जाती है। क्यूबिट एक समय में कई स्थितियों में मौजूद हो सकता है, इसलिए इसे सुपरपोजिशन के गुण के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि एक क्यूबिट साथ ही 0, 0 और 1, 1 दोनों हो सकता है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर बहुत सारी गणनाएं साथ ही कर सकता है। ये एक प्रकार से पारंपरिक कंप्यूटरों के बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ किसी समस्या पर काम कर रहे होने की तरह होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है एंटेंगलमेंट। जब क्यूबिट एंटेंगल होते हैं तो एक क्यूबिट की स्थिति को तुरंत दूसरे क्यूबिट की स्थिति से जोड़ दिया जाता है, चाहे वे दोनों के बीच की दूरी कितनी भी हो। ये गुण क्वांटम कंप्यूटर को बड़ी मात्रा में डेटा पर संचालन करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे वह कुछ विसंगत प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग वर्तमान में संभव नहीं है, लेकिन ये कई कठिन समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखता है जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए असंभव होती है। ये डेटा सुरक्षा, अनुकूलन, दवा खोज और क्वांटम प्रणालियों के सिमुलेशन जैसे क्षेत्रों में चमत्कारिक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर अभी भी विकास की शुरुआती अवस्था में है और इन्हें व्यवहारिक और प्रयोग्य बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। For more videos, stay tuned with us.